नमस्कार दोस्तों, नॉलेज की चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दो बार 47 और 48 नीलामी हुई एमपीजी 2 बॉक्स में, दो बार नीलामी कराएगी, दोनों बार कोई अच्छे चैनल नहीं मिले। पहली बार जब 47 ऑक्शन हुई थी तो 3 स्लॉट खाली थे, तो हमें दो बार ही चैनल मिले थे, एक अभिजीत धाकड़ और दूसरा था न्यूज़ का चैनल यूपी उत्तराखंड का। और उसके बाद अभी 48 करवाई गई थी तो उसका नतीजा भी प्रसार भारती ने घोषित ही नहीं किया था, पर फिर भी जो 1 अक्टूबर को चैनल देना था उसकी जगह 6 अक्टूबर को चैनल लॉन्च किया गया, यानी कि 6 दिन बाद, और उस वक्त इंडिया न्यूज़ चैनल लॉन्च कर दिया गया। यानी कि दो ऑक्शन हुई लगातार और दोनों ऑक्शन में MPG2 यूज़र को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई अच्छा चैनल नहीं देखने को मिला। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो अगली नीलामी है। आपके बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं भी अगली नीलामी कब होगी, नेक्स्ट ई ऑप्शन कब होगी। देखिए, जो नेक्स्ट ई ऑप्शन है ये है 49E ऑप्शन, यानी कि ये 49वीं ई ऑप्शन होगी, नीलामी होगी जो MPEG4 बॉक्स के लिए ही होगी, जहां पर 3 स्लॉट खाली है। तो इस बार जो ऑप्शन होगी ये 3 स्लॉट के लिए होगी, और यहां पर कौन से चैनल मिल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, भी MPEG4 बॉक्स में भी ज़्यादातर चैनल न्यूज़ के ही मिलते हैं। उम्मीद यही है कि इस बार भी कुछ न्यूज़ के चैनल ही पार्टिसिपेट करें, कोई भी चैनल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है न्यूज़ के अलावा। MPEG2 में देख सकते हैं, वहाँ पर भी न्यूज़ के चैनल मिले, और यहाँ पर तो ऑलरेडी सभी न्यूज़ के चैनल ही हैं, और इस बार भी न्यूज़ के चैनल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है इसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट का या कोई म्यूज़िक का या कोई मूवीज़ का चैनल मिल जाए। और हमने एक वीडियो में आपको कल भी बताया था कि एक मूवी का चैनल भी जल्दी मिलेगा, डीडी वालों का, डीडी सिनेमा, वो भी जल्दी मिल सकता है इस ऑप्शन से। इस ऑप्शन के बाद मिलेगा दोनों बॉक्स में, MPG2 में और 4 में, दोनों में मिल जाएगा। पर जो अब नीलामी होने जा रही है ये नवंबर मंथ के पहले हफ्ते में ही नीलामी हो सकती है, ऐसी हमें हमारे सोर्स के मुताबिक न्यूज़ मिल रही है कि नवंबर मंथ के 10 नवंबर से पहले पहले ये नीलामी हो जाएगी, और ये 3 स्लॉट के लिए नीलामी होगी। और जैसे इस पर कोई नया अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।